हर पल। हम कुछ हफ्तों से परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, आज भी मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इसका अंदाज अलग है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम हर पल उसकी आवाज को सुने। वो हमसे हर पल बात करना चाहता है, याद रखिए। बाइबल में लिखा हुआ हर पल, जिस तरीके से आपका जमीनी पिता हर पल अपने बच्चे से बात करना चाहता है कि मेरा बेटा कैसा है, मैं अपने बच्चे की आवाज़ सुनूं, इसी तरीके से परमेश्वर हर पल आपकी आवाज़ सुनना चाहता है, हर पल। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा हम एक नई वाचा में इस समय जी रहे हैं। इस नई वाचा को समझना जरूरी है, लेकिन आज का मसीह, ज्यादा से ज्यादा जो मसीह हैं आजकल, वो पुरानी व्यवस्था में ही जी रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है हमें उस नई वाचा के अनुग्रह अनुसार जीना है जो यीशु लेकर आया है। पुरानी वाचा और नई वाचा में क्या फर्क है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, मोटा मोटा फर्क। पुरानी वाचा व्यवस्था कहती है कि हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। हेलो, पुरानी व्यवस्था क्या कहती है कि हम पाप से मुक्त हो सकते हैं, हम पाप से छुड़ाए जा सकते हैं। लेकिन नई व्यवस्था क्या कहती है, नई वाचा क्या कहती है कि पाप हम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। कितना फर्क है। लेकिन आज का मसीह वही पुरानी व्यवस्था में जी रहा है, आज भी वो पाप के लिए लड़ रहा है, आज भी वो पाप से लड़ रहा है कि कहीं मुझसे पाप ना हो जाए। नई व्यवस्था क्या कहती है, रोमियो 6:14 कि पुराना कि कोई भी पाप आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, ये है उसका अनुग्रह। अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएंगे। रोमन 6:14 तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हाँ। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। आमेन। बोलिए मैं अनुग्रह के अधीन हूं, व्यवस्था के अधीन नहीं हूं। ये आपको अपने आप को बताना पड़ेगा, नहीं तो शैतान आपको पुरानी व्यवस्था में ही लेके जाएगा और आप पुरानी व्यवस्था में ही जीते रहेंगे और अपने आप को दोषी समझेंगे, अपने आप को दोषी समझेंगे आप, जबकि बाइबल कहती है कि आपके पापों को परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आप पापी नहीं है अभी। और इब्रानियों 8:12 का कहता है कि वो अब हमारे पापों को अपने ऊपर नहीं लेगा, वो नहीं याद करता है हमारे पापों को। पढ़िए बेटा, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा। हाँ? और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। आमीन। परमेश्वर का वादा है कि मैं आपके पापों को स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन जब आप पुरानी व्यवस्था में जीते हैं तो आप अपने पापों को खुद याद करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं, हमारे अंदर पाप है, हमें पाप से अभी मुक्त होना है, हमें पाप से अभी दूर जाना है। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप विश्वास में बढ़ नहीं पाते, आप विश्वास में नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अभी तक आप पुरानी व्यवस्था में जी रहे हैं, इसलिए आप विश्वास में नहीं आ पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 1:17 कहता है कि हमें परमेश्वर ने चुना है विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ने के लिए। आमीन। हमें विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ना है, लेकिन आज का मसीह संदेह से विश्वास की ओर बढ़ रहा है। डाउट, उसको अपने ऊपर डाउट है, अपने कर्म पर डाउट है, अपने उद्धार पर डाउट है, अपने सल्वेशन पर डाउट है, उसको डाउट है कि मैं चुना हुआ हूं, उसको डाउट है, आपको शक है कि वाकई परमेश्वर ने मुझे चुना है,
क्योंकि अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि मैं पाप से मुक्ति पा सकता हूं, लेकिन बाइबल कहती है नए वचन के अनुसार, नई सृष्टि के अनुसार, कि पाप आप पर प्रभुता नहीं करेगा, आ ही नहीं सकता आपके ऊपर पाप। और ये परमेश्वर की ओर से, आपकी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। आपको पता है आज भी शैतान आप पर प्रभुता क्यों कर रहा है? शैतान आप पर प्रभुता क्यों कर रहा है पता है आज? क्योंकि आप इंसानों से लड़ रहे हैं। नहीं समझे? आप मनुष्यों से लड़ रहे हैं, आप अपने पति से लड़ रहे हैं, अपनी पत्नी से लड़ रहे हैं, अपने बच्चों से लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं, इसलिए शैतान आप पर प्रभुता कर रहा है। आप चाहते हैं शैतान पर आप प्रभुता करें? नहीं। क्या सोचती हैं आप? क्या आप नहीं चाहते कि शैतान पर आप प्रभुता करें? हां के ना? आमीन। देखिए इफिसियों 6 का 12 पढ़िए, इफिसियों 6 का 12 ध्यान से समझिए। इस जीवन, आज मैं एक आपको बताने वाला हूं, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, बता रहा हूं मैं। आप संदेह से निकल जाएंगे, डाउट से निकल जाएंगे, निराशा से निकल जाएंगे, व्याकुलता से निकल जाएंगे, डर से निकल जाएंगे। आज आप, मैं जो आपको बताने वाला हूं ध्यान दीजिए, इफिसियों 6 का 12 पढ़िए बेटा। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध आगे लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हमारा युद्ध किससे? मांस और लहू से नहीं है, आदमियों से नहीं है, आपके पति से नहीं है जो मांस और लहू है, आपकी पत्नी से नहीं है जो मांस और लहू है, आपका पड़ोसी से नहीं है जो मांस और लहू है, उससे युद्ध है ही नहीं। आपका युद्ध किससे है? अंधकार की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान क्यों आपके जीवन में काम कर रहा है? क्यों आपके अंदर अभी भी डर आता है? क्यों अभी भी आप सहमे हुए हैं, संदेह में हैं? क्यों? क्योंकि आप आदमियों से लड़ रहे हैं। एक बात बताऊं, आज से वाचा बांधिए, चाहे आपके ऑफिस का बॉस हो, चाहे घर की बहन हो, चाहे कोई भाई हो, चाहे बहन हो, हमने लहू और मांस से नहीं लड़ना है। आज से कर लीजिए। कोई आपको लोकल ट्रेन में जा रहे हैं आप, आपकी लड़ाई हो जाती है, खामोश हो जाइए। अगर आप आज से मांस और लहू से लड़ना बंद कर देंगे ना, शैतान आपके नीचे आ जाएगा, शैतान आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। आज शैतान आपके, आपकी बीवी के अंदर काम कर रहा है, आपके बच्चों के अंदर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप लड़ रहे हैं। मांस और लहू से लड़ना बंद कर दीजिए, वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से है ही नहीं, और हम सुबह से शाम तक मांस और लहू से लड़ रहे हैं। छोटी छोटी बात पर घर में झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात पर पत्नी से हो रहा है, पति से हो रहा है, बच्चों से हो रहा है, छोटी छोटी बात पर जिसका कोई मकसद नहीं है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये क्यों किया, छोटी छोटी बात पर आप मांस और लहू से लड़ रहे हैं। और जब आप मांस और लहू से लड़ रहे हैं तो शैतान आपके घर में काम कर रहा है, शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है। जिस दिन आपने मांस और लहू से लड़ना बंद कर दिया, शैतान काम ही नहीं कर पाएगा, आपके घर से दूर भाग जाएगा। आपका घर जिस इलाके में आप रहते हैं ना, शांति का प्रतीक होगा। यस, करके देख लीजिए आप। मैं चैलेंज कहता हूं, जो मैं आपको बता रहा हूं, आज ऐसे अगर जिएंगे आप,
शुरू शुरू में हो सकता है आपको अहम आपका ईगो के आपकी पत्नी ने कहा और आप चुप हैं, शैतान आपको उकसाएगा, अरे क्यों नहीं बोल रहा है, तू मालिक है, 50,000 तू कमाता है सुबह शाम तक, ये कैसे बोल रही है। आज अगर तूने नहीं डांटा तो कल ये फिर बोलेगी, डांट दे और आपने लड़ना शुरू कर देते हैं। अपने उस विचार को जो शैतान ला रहा है उसको निकालिए, मुझे लड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा जो युद्ध है ये इस औरत से है ही नहीं, क्योंकि उस औरत के अंदर अंधकार की शक्ति है, इस आदमी के अंदर अंधकार की शक्ति जो मेरा पति है, मेरा उससे युद्ध नहीं है, आदमी से मांस और लहू से है ही नहीं मेरा युद्ध, मैं क्यों लड़ूं। मैं आपका युद्ध मांस और लहू से है ही नहीं और आप उसी से लड़ रहे हैं और जीत नहीं पाते, जीत नहीं पाते। कोई बलशाली आदमी कमजोर को हरा देता है लेकिन आनंद नहीं है, एक संदेह है, एक व्याकुलता बनी हुई है, हम विश्वास से विश्वास की ओर नहीं आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम संदेह में जी रहे हैं। मांस और लहू के संग लड़ने से आप आजाद नहीं होते, आप आजाद नहीं होते, आपको आजाद होना है, आपको आजाद होना है। यीशु मसीह ने आपको आजाद किया है। हालेलुया। यूहन्ना 8:31-32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपने सत्य को जान लिया फिर भी आप स्वतंत्र हैं? रोज अपने आप को बंधन में महसूस कर रहे हैं आप, रोज बंधन में महसूस कर रहे हैं, संदेह आया है, परीक्षाओं में है, व्याकुलता है, डर है, क्या होगा मेरा कल, क्या होगा मेरे बच्चे का, क्या होगा मेरे घर का, क्या होगा मेरे बिजनेस का, एक डर है आपके अंदर क्योंकि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 8:1 अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि वे, आप पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि आप मसीह में हैं। अगर आप नई सृष्टि में, अगर आप नई वाचा के अंतर्गत हैं, अगर आप पुरानी वाचा में जिंदगी जिएंगे तो आप मसीह में नहीं हैं। पुरानी वाचा में है कि आप पाप से मुक्त हो सकते हैं, पुरानी वाचा ये कहती है, पुरानी व्यवस्था कहती है कि आप पाप से मुक्त हो सकते हैं, और आज का मसीह उसी में आस लगाए हुए प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे माफ कर दो, प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मेरे अंदर सही विचार आए, उसी की परमेश्वर को पाने की प्रार्थना आप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ एक होने की आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं पाप से मुक्त होने की, और 2000 साल पहले यीशु मसीह आपको पाप से मुक्त कर चुका है। आप समझ ही नहीं रहे, आप पुरानी भाषा में जिंदगी बिता रहे हैं। हालेलुया। आप कर्जों से मुक्त हो चुके हैं, आप श्रापों से मुक्त हो चुके हैं, आपको अब मुक्त नहीं होना है। दुष्ट आत्मा क्यों काम कर रही है? क्योंकि आप दुष्ट आत्माओं को आने दे रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि आप पुरानी व्यवस्था में जी रहे हैं, यीशु चाहता है आप नई व्यवस्था में आए, और नई व्यवस्था में क्या है, उसने आपको सारे पापों से मुक्त कर दिया है, और पाप की प्रभुता आप पर नहीं हो सकती, पाप आप पर प्रभुता कर ही नहीं सकता, और तीसरा सबसे बड़ी चीज कि परमेश्वर आपके पापों को भुला चुका है। आमीन। हमें किस बात का डर? क्या आप स्वर्ग में जाकर भी ये सोचेंगे कि मैं कहीं पाप तो ना करूंगा, कहीं मुझसे कोई पाप ना हो जाए, इसलिए आप स्वर्ग नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए आप स्वर्ग का एहसास अपने जीवन में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आपको पाप से डर लग रहा है,
आप भैया पाप से मुक्त हो चुके हैं, आपको पाप से डरने की जरूरत नहीं है। अभी आप पर पाप प्रभुता नहीं करेगा, आपको सिर्फ यीशु के स्वभाव की ओर बढ़ना है, आपको सिर्फ रोज यीशु के स्वभाव को अपने अंदर लाना है, आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रार्थना करनी है कि यीशु का स्वभाव मुझ में आ जाए, रोज यीशु का स्वभाव मुझ में आए, और कुछ ना आए चलेगा, यीशु का स्वभाव मिल जाए। मैं आपको पहले ही बताया था, अगर यीशु का स्वभाव आप में है आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका धंधा हो, चाहे कुछ भी हो, अगर यीशु का स्वभाव आपके साथ है आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। क्या यीशु मसीह हारे थे? मुझे बताइए, क्रूस पर मरने के बावजूद भी वो जीत गया था। मैं कई सैनिकों ने कहा, जब यीशु मसीह पिलातुस के पास से गए थे मारने लगे कि तू अगर भविष्यवक्ता है, तू प्रभु है, तो अपने आप को बचा ले, कई लोगों ने उपहास उठाया, लेकिन जब वो क्रूस पर गए तो वो सब नीचे नतमस्तक करे हुए थे और वो जीत गया। अगर आप यीशु के स्वभाव को लेकर जिंदा हैं तो आप कभी भी हार नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं हार सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, कभी भी आप हार नहीं सकते, कभी भी आप पीछे नहीं हो सकते, कभी भी आप कर्ज में नहीं आ सकते, कर्ज में नहीं आ सकते। आमीन। आप कर्जदार क्यों हैं? क्योंकि आपको विश्वास ही नहीं है परमेश्वर पर, आपको विश्वास ही नहीं है। आप जब कर्ज लेने के लिए जाते हैं कि साहब मुझे 50,000 चाहिए, लाख रुपए चाहिए, सोचिए क्या आप उस समय सोचते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? आप सोचिए, जिसकी शादी हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे की, क्या नाम है, आनंद अंबानी, आनंद अंबानी आपके पास आया और कहता भैया मनीष भैया 200 रुपए हैं, आप देंगे मुझे उधार? तो आप बेहोश हो जाएंगे कि मुकेश अंबानी का बेटा जिसकी शादी में 5,000 करोड़ खर्च हुआ है वो मुझसे 200 मांग रहा है, 200 मांग रहा है मुझसे। इसी तरीके से जब आप किसी से कर्ज मांगते हैं, क्या आपको पता है कि आपका जो पिता है वो ब्रह्मांड का रचयिता है? कैसे कर्ज मांगते हैं आप? आप गए इस भैया के पास कि मेरा नाम अनिल है और मेरा पिता जो है ब्रह्मांड का रचयिता है, मुझे 10,000 रुपये दे दो। आप मांग पाएंगे? हेलो, आप मांग पाएंगे? मेरी आइडेंटिफिकेशन मेरा पिता है, हालेलुया, और मैं कह रहा हूं मुझे पैसे दे दो, नहीं मांग पाएंगे आप, हालेलुया। अगर परमेश्वर का, अगर यीशु का स्वभाव आप में आ गया है, क्या यीशु मसीह किसी से लड़े थे? नहीं लड़े थे। जितने भी फारसीज थे, जितने भी उसके पास आए, सबको प्यार से जवाब दिया। हाँ, वो अपने मंदिर में 2 बार गया कि मंदिर में जब व्यापार हो रहा है उसने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर आप इस मंदिर के घर में, अगर घर में चर्च में व्यापार कर रहे हैं, अगर आपने चर्च को व्यापार का अड्डा समझ लिया है तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप लोगों से इसलिए दोस्ती कर रहे हैं, चर्च के लोगों से, कि वहां से कुछ आपको फायदा हो जाए, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा।
नहीं करेगा। ये चर्च है, कलीसिया है। हालेलुया। इसलिए नई वाचा के अनुसार हम लोग ने जीना है, तभी हम उस आशीष को जो परमेश्वर ने दिया है वो ले सकते। इफिसियों 1:3 क्या कहता है कि पिता परमेश्वर का धन्य हो। बड़ी जल्दी पढ़िए बेटा, 1:3 इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीष यीशु दे चुका है, प्रभु दे चुका है, लेकिन वो आपके जीवन में क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि आप नई वाचा के अनुसार नहीं जी रहे हैं, आप पुरानी के संग जी रहे हैं। इसलिए वो जो नई वाचा का आशीष है आपको नहीं मिल रहा है। यस, इतना बड़ा आशीष, सारी आत्मिक आशीषें प्रभु आपको दे चुका है। उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वो देने वाला है, दे चुका है। ही ऑलरेडी गिव इट टू यू, लेकिन आपने ली नहीं उसको। क्यों नहीं ली? क्योंकि आप नई वाचा में जी नहीं रहे, आप पुरानी वाचा में जी रहे। प्रेज द लॉर्ड। आप अभी भी अपने आप को आजाद नहीं समझते, आप यीशु के जीवन को समझ ही नहीं रहे। अभी भी आप चर्च में आते हैं अपनी नौकरी के लिए, अपने छोटे से बीमारी के लिए। आपके अंदर बोझ ही नहीं है कि मैं परमेश्वर के वचनों को जो मुझे परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं उनका उनको जानूं। आप ये सोचते हैं कि मैं किसी तरीके से परमेश्वर के करीब आऊं ताकि मेरा धंधा अच्छा चले, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरी नौकरी अच्छी चले, मेरी बीमारियां घर की दूर हो जाएं। आपको पता है शैतान के पास कोई शक्ति नहीं है, आपके पास शक्ति है। शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। कुलुसियों 2:15 पढ़िएगा, पढ़िए बेटा कुलुसियों 2:15। शैतान के सारे अधिकार को यीशु मसीह ने क्रूस पर खोखला कर दिया है, निर्बल कर दिया है, उसका बल छीन लिया है। कुलुसियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। शैतान के पास कोई भी अधिकार नहीं बचा है, शैतान से ज्यादा अधिकार आपके पास है, आपके पास है। आप अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे ना, शैतान भागेगा भागेगा, आपको पता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप उन अधिकारों को जानते नहीं हैं, और अगर जानते भी हैं तो आप उनका उपयोग नहीं करते हैं। शैतान क्यों जीत जाता है आपसे? क्योंकि आप इंसानों से लड़ रहे हैं, आप इंसानों से लड़ रहे हैं, जो लहू और मांस है उससे आप लड़ रहे हैं। और पता क्या कर रहे हैं आप, हेलो ध्यान दीजिए, लड़ते लड़ते आप बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो जो बोलना है ना वो शैतान पकड़ लेता है, वो जो बोलना है वो शैतान समझ लेता है। पुराना नियम अगर आपने पढ़ा होगा, आप अगर आप देखें पुराने नियम में दाऊद ने गोलियत को मारा, उसके बाद पलिश्तियों के संग लड़ाई लड़ रही है, लड़ाई हो रही है, यहोशू लड़ाई लड़ रहा है कनान देश हासिल करने के लिए, एक दूसरे को तलवार से मार रहे हैं, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है। पुराने नियम में देखिए, पुराने नियम में देखिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, एक राजा दूसरे राजा को मार रहा है, मार रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? लेकिन नए नियम में यीशु क्या कहता है, कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दे। ये है नई वाचा।
मती 5:6-7 जो पहाड़ी उपदेश है वो हमें बताता है मन को शुद्ध कर। शरीर को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। पुराने नियम में शरीर की शुद्धता जरूरी थी, नए नियम में मन की शुद्धता जरूरी है। इसलिए जब आप लहू और मांस से लड़ाई करते हैं तो आप गलत बातें बोलते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अपने भी कौन उसका फायदा उठाता है? शैतान। लिखा हुआ है एफिसियों 6:12 कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इफिशियन 6:12 दोबारा पढ़िए बेटा। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। आपका मल्लयुद्ध, आपका युद्ध जो संसार में रहते हैं वो आदमियों से है ही नहीं, और हम लोग क्या करते हैं? आदमियों से लड़ रहे हैं। जो अपना दोस्त बात नहीं मान रहा उससे लड़ रहे हैं, बीवी से लड़ रहे हैं, पति से लड़ रहे हैं, मां से लड़ रहे हैं, बाप से लड़ रहे हैं, और शैतान आप पर हावी हो रहा है। शैतान आप पर हावी नहीं हो सकता है अगर आप मलयुद्ध बंद कर दें। अगर मांस और लहू से लड़ना बंद कर दें, शैतान आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप खामोश हो जाइए। जब आप लड़ते हैं तो शैतान आपके अंदर से गलत चीजें, गलत वार, गलत बोली, आप अंगीकार करते हैं गलत गलत बातों को, वो निकलवाता है और उसके द्वारा वो काम कर रहा है आपके जीवन में। आप गालियां देते हैं, आपकी आपका शरीर को शैतान जो है वो अशुद्ध करता है, आपकी आत्मा को अशुद्ध करता है वो, ताकि और आप कमजोर हो जाते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं। वो आपको हर युद्ध में कमजोर करता है, जिताता नहीं है। इसलिए आप कोई भी पति पत्नी का युद्ध हो, कुछ इंसान जीतता ही नहीं है। 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद फिर कोई ना कोई किसी को सॉरी बोलता है और फिर चलो, जीतते नहीं हैं आप, हार जाते हैं। गलत अल्फाजों को यूज करके हार जाते हैं, गंदगी निकाल कर हार जाते हैं, आप अपना छिचोरापन निकाल कर हार जाते हैं। मसीहत में क्या है? आप में पवित्रता आपकी जबान पे बहुत जरूरी है, आपका मन शुद्ध होना जरूरी है। झगड़े में शैतान आपका मन अशुद्ध कर देता है, गंदे गंदे विचार आपके अंदर आते हैं, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे जब ये आई थी मेरे जीवन में, ये पत्नी है मेरी, फिजूल में बातें, फिजूल की बातें अंदर अंदर, यानी कि आपका मन अशुद्ध कर देता है शैतान, और वो जीत जाता है और आप फिर शैतान के चंगुल में आ जाते हैं। फिर आप प्रार्थना में बैठ जाते हैं कि प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु ये पाप मुझसे निकल जाए। अरे वो आपके सारे पापों को माफ कर चुका है, शैतान फंसा रहा है। लड़ाई के साथ साथ शैतान आपको फंसा रहा है, पाप के अंदर डालता है वो आपको, जबकि आप शुद्ध हो चुके। बाइबल कहती है, नया नियम कहता है कि कोई भी पाप आप पर प्रभुता कर ही नहीं सकता है। इब्रानियों 8:12 कहता है कि परमेश्वर आपके सारे पापों को भूल चुका है, लेकिन शैतान आपको याद दिलाता है। किसी ने, उसका मकसद है कि पाप ना भूले इसके अंदर से, अगर ये पाप भूल गया तो ये मेरे पंजे से निकल जाएगा। इसको पाप याद दिलाते जाओ, इसको पाप याद दिलाते जाओ, इसलिए वो लड़ाई कराता है, इसलिए आपके घर में घुसता है। किसी दोनों मियां में भी शांत बैठे होंगे और कोई ऐसी बात निकल जाएगी जिससे लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुमने ये कहा था आज 20 साल पहले, ये कहा था मैं जब आई थी 30 साल पहले तो ये हुआ था, शुरू। अरे किसको सिद्ध कर रहे हैं आप? वो आपकी पत्नी है, आप उसके पति हैं। मैं कौन कर रहा है ये? शैतान। क्यों कर रहा है? ताकि आपके अंदर वो चाहता है कि पाप बना रहे। पाप आपके अंदर नहीं है, लेकिन पाप का विचार बना रहे। आपको लगे कि नहीं यार, आई एम सॉरी, मैं पापी हूं, मैं दोषी हूं। आप अपने आप को दोषी समझेंगे 2 दिन,
जब बाइबल पढ़ेंगे, अरे आई एम सॉरी यार, मैंने अपनी पत्नी को डांटा, आई एम सॉरी, नहीं यार गलती, क्या करूं मैं पास्टर, मैं क्या करूं, उपवास करता हूं, मैं उपवास करूं। अरे भैया पाप से निकल चुके हैं आप, पाप आप पर प्रभुता नहीं कर सकता है, ये बाइबल है, ये उसका अनुग्रह है। लेकिन शैतान, क्योंकि आपका युद्ध जो है वो मांस और लहू से नहीं है, लेकिन आप उससे लड़ रहे हैं। आज से आप मांस और लहू से लड़ना बंद कर दीजिए। चाहे कोई आपका भाई हो, आपका बॉस हो, बाहर हो सकता है वो नहीं जानता प्रभु को और वो आपको उकसाता है, कोई बात नहीं, जवाब मत दीजिए, लड़ाई नहीं करनी। ये हैबिट बना लीजिए, आप देखिए आपके जीवन में अद्भुत आशीषें उतरती जाएंगी, अद्भुत। कोई आपके गाल पर थप्पड़ मारे गालियों से, बर्दाश्त कर लीजिए। ओके सर, मैं कह रहा हूं शैतान खत्म हो जाएगा, शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, शैतान तड़पेगा, कह रही है बोल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये जब तक बोलेगा नहीं मेरा काम कैसे होगा। हालेलुया, मेरा काम कैसे होगा, क्योंकि बोल नहीं रहा है ये, शैतान बुलवाना चाहता है आपसे। आप इस चीज को समझिए, इसलिए हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। चाहे वो आपका पति मांस और लहू है, आपकी पत्नी मांस और लहू है, आपका बेटा मांस और लहू है, आपकी बहू मांस और लहू से, आपका युद्ध उनसे है ही नहीं। बाइबल कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं। अपनी पत्नी से प्यार करिए, प्यार करिए। मेरी बात नहीं मानती है, ये नहीं करती है, वो नहीं, कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छाई उसमें होगी, आपकी पत्नी है, उससे प्यार करिए, प्यार करिए, कुछ तो अच्छाई होगी ना उसमें, प्यार करिए। आपका पति है, कुछ तो अच्छाई होगी आपके पति में, एक तो अच्छाई होगी, उस अच्छाई के लिए प्यार करिए। आज से युद्ध बंद कर दीजिए, प्यार करिए, आपके घर से शैतान निकल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा, क्योंकि आप उसे मौका नहीं देंगे काम करने का। जब आप नई वाचा में जिंदगी बिताएंगे, जब आप नई वाचा के अनुसार जीवन बिताएंगे ना, नई वाचा के सारे आशीष आपके जीवन में काम करेंगे। ये मैं आपको खजाने की चाबी दे रहा हूं, बहुत आशीषें हैं आपके लिए, परमेश्वर ने बहुत आशीषें आपके लिए रखी हैं, याद रखिए। लेकिन वो आपके आशीष, आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि आप पुरानी वाचा के अनुसार जिंदगी बिता रहे हैं, नई वाचा के अनुसार जीवन नहीं बिता रहे हैं। आप अभी भी शरीर से जीतना चाहते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर मन को देखता है। हालेलुया, साम 91 का 14 देखिए, साम 91 का 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं और आपके अंदर क्या देखना चाहता है, इसने प्यार देखना चाहता है, कहां पर, आपके मन में, किसके लिए, खुद के लिए। वो देखना क्या चाहता है कि जैसा मैंने इस बहन से प्यार किया, क्या ये बच्ची वैसा ही मुझसे प्यार करने लगी है कि नहीं, क्या उसके प्यार में स्वार्थ था, क्या उसके प्यार में कोई शर्त थी। आज हम प्यार करने से पहले शर्त क्यों रखते हैं, अगर मेरा इशू ये ठीक करेगा तो मैं इशू को मानूंगी, कितना गलत है सोचना। उसने ब्रह्मांड की रचना की है, वो रचयिता है, उसने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया है। अगर अभी भी, आज भी वो मेरी कोई भी इच्छा पूरी ना करे तो भी वो मेरा प्रभु है। आमेन, हालेलुया, वो मेरा पिता है। उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो आपके मन को देखता है, चर्च में वो आपके मन को देख रहा है। सच समर के आते हैं आप, वो आपकी इच्छा है,
लेकिन वो आपके कपड़ों को नहीं देख रहा है, वो आपके मन को देख रहा है। और वचन का कहता है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। मैं सिर्फ आप उसको जानिए, वो कहता है मुझे जानो तो मैं तुझे ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, सेफ रखूंगा। आपके लिए छोटा स्थान नहीं है। क्या करना है आपको? मेहनत करनी है, उसको जानना है। सिर्फ वो क्या कहता है कि जो मुझे जानता है, जिसने मेरे नाम को जान लिया है, उसको मैं ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। आमीन। ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा, उसने मेरे नाम को जान लिया है। यीशु मसीह का नाम क्या है? हालेलुया। मत्ती 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। यीशु के नाम का मतलब क्या है? वो हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा। यीशु के नाम का मतलब क्या है? यीशु मसीह हमारे पापों से उद्धार करने के योग्य है। और कोई दूसरा नाम नहीं है इस धरती पर, और कोई दूसरा नाम नहीं है, यीशु है जो हमारे पापों से हमारा उद्धार करेगा। याद रखिए, सिर्फ यीशु है। तो क्या कहता है? जिसने मेरे नाम को जान लिया उसे मैं ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखूंगा। आमीन। उसके नाम को जानिए मेरे भाई मेरी बहन, उसके प्रेम को जानिए, उसके उसके त्याग को जानिए। वो कौन था? वो स्वर्ग से जमीन पर आपके लिए आया और आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया। मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरी बहन, जिस दिन आप इस प्रेम को जान लेंगे, जिस दिन इस प्रेम को जानने के लिए आप चढ़ चाहेंगे, इस प्रेम को जानने के लिए जिस दिन आप प्रार्थना करेंगे, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन का मकसद बनाइए उसके प्रेम को जानना। अपने जीवन का मकसद बनाइए उसके प्रेम को जानना, उसके प्रेम को जानना, क्योंकि उसके प्रेम में ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्यालु नहीं है उसका प्रेम। आमीन। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आज भी हम कई बार गलतियां करते हैं, तब भी वो हमें माफ करता है। आमीन। हम भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलता है। आमीन। तो उसके प्रेम को मत भूलिए। उसका प्रेम अद्भुत है, अद्भुत है। उसके प्रेम में सामर्थ है, उसके प्रेम में जीवन है, उसके प्रेम में ज्योति है। उसका प्रेम अद्भुत आशीषों की बारिश करने वाला है। हालेलुया। इसलिए नई वाचा में अपने आप को जीना शुरू करिए। आपके सारे पापों को यीशु मसीह माफ कर चुका है। परमेश्वर आपके पापों को नहीं याद कर रहा है और ना ही वो याद करेगा, और आप आशीषित हैं। एक नई वाचा में जिए। हमें पाप के लिए, पाप से बचने के लिए प्रार्थना नहीं करनी है। हम पाप से बच चुके हैं। अपने आप को विश्वास में लेकर आइए, अपने आप को यीशु मसीह के करीब लेकर आइए, अपने आप को यीशु मसीह के प्रेम में बनाइए, मजबूत बनाइए। हालेलुया। ताकि शैतान आपके जीवन में काम ना करे। और नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट, 8 से मलयुद्ध, मांस और लहू से लड़ना बंद कर दीजिए।
मैं आपको सच बता रहा हूं, तकरार भी नहीं करनी है हमको, तकरार लड़ने का बिगिनिंग है। आप कहेंगे भाई पास्टर तकरार तो कर सकते हैं, नहीं तकरार नहीं करनी। मैं अच्छा हूं कि तुम अच्छे हो, चेले तकरार कर रहे थे लुका 22 के 24 में, और शैतान उनके अंदर आ गया। हमें तकरार भी नहीं करनी है। ओके, हस्बैंड कहता मैं बढ़ाऊं, यस आप बढ़े। शैतान को मौका नहीं देना है। आप लड़ाई करेंगे अपने पत्नी से, अपने पत्नी से कौन आ रहा है घर में? शैतान। हमको शैतान को फेंकना है। ऐसा एटमॉस्फेयर अपने घर का बनाइए कि शैतान आ ही नहीं सकता। और जिस दिन शैतान ने आना बंद कर दिया ना, घर में लड़ाई होगी नहीं, होगी नहीं घर में लड़ाई। लड़ाई कौन कर रहा है? गलत स्पिरिट कौन लेकर आ रहा? गलत स्पिरिट कौन लेकर आ रहा? शैतान। होगी नहीं, क्योंकि आप गलत स्पिरिट को न्योता नहीं दे रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमने कुछ सीखा, हमें लहू और मांस से नहीं लड़ना है, हमारा युद्ध उससे है ही नहीं। इफिसियों 6:12 घर में जाकर पढ़िएगा और इस पर अमल करिएगा आज से ही। शैतान करने नहीं देगा, आपकी ईगो आ जाएगी, आपका गुस्सा आ जाएगा, आपको क्रोध आ जाएगा, लालच आए, घमंड आ जाएगा। हमें लहू और मांस से नहीं लड़ना है। और आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप यहाँ पर आकर गवाही देंगे कि आपके घर में लड़ाई होगी नहीं। हालेलुया। आज का वचन अच्छा लगा? आज जो मैं मेन वचन लेकर आया था उस पर मैं गया ही नहीं अभी तक। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने इसी वचन को, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक हम लोग जाएंगे। बहुत अच्छा वचन है नेक्स्ट वीक के लिए। आप लोग आइए और विश्वास करिए, लगातार आते रहिए, प्रभु की उपस्थिति में बने रहिए। आप सीखने की कोशिश करिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए कि मुझे प्रभु में आना है, एक नई व्यवस्था, नई वाचा में मुझे आगे बढ़ना है। नई वाचा क्या है उसको समझिए। जिस दिन आप नई वाचा में जीना शुरू कर देंगे ना, अद्भुत परमेश्वर की, यीशु की आशीषें अपने आप आपके जीवन में बहने लगेंगी, अपने आप। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, सिर्फ उस नई वाचा में जीना शुरू करिए जैसा प्रभु चाहता है। यीशु का स्वभाव लेकर आइए। मुझ में क्या गलत स्वभाव है उसको निकालिए। देखिए मुझ में क्या गलत है, निकालिए। ओके, यीशु का स्वभाव मुझ में आ जाए। जिस दिन आप में यीशु का स्वभाव आ गया, आपके जीवन से अद्भुत काम होंगे, अद्भुत सामर्थ्य होगा। हालेलुया। हम सब खुश हैं, आनंदित हैं। आज का वचन हमने ग्रहण किया, बोली यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।